नमस्कार दोस्तों, आप यहां देख सकते हो कि राइट साइड में एक यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है और लेफ्ट साइड में टाइप हो रहा है। ये टाइपिंग मैं नहीं कर रहा हूं और ये वीडियो से निकलते हुए आवाज अपने आप टाइप हो रहा है। तो अगर आपको भी लंबे डॉक्यूमेंट्स या ईमेल टाइप करना पड़ता है या आपको एक वीडियो या ऑडियो फाइल से एक लंबा कंटेंट टाइप करने का आवश्यकता है, तो आप इस तरह से वॉइस टाइपिंग टूल के मदद से इजीली टाइप कर सकते हो। वॉइस टाइपिंग एक पावरफुल टूल है जो आपको बोलने पर आपका शब्द को टाइप कर देता है। ये एक्यूरेट, फास्ट और यूज करना बहुत ईजी है। और आप चाहे छात्र हो या प्रोफेशनल या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समय बचाना चाहते हो, तो वॉइस टाइपिंग आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वॉइस टाइपिंग टूल यूज करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा, ताकि आप एक वीडियो फाइल से बिना टाइप करे रीडेबल टेक्स्ट प्राप्त कर सको। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको माइक्रोफोन को डिसेबल और स्टीरियो मिक्स को एनेबल करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोफोन आपका पीसी या लैपटॉप का आवाज को पिकअप नहीं करता है, जबकि माइक्रोफोन आपका खुद का आवाज पिकअप करता है। तो इसके लिए आपको साउंड सेटिंग्स में जाना है, जिसके लिए सबसे आसानी वे है कि आपको स्पीकर आइकन पर माउस बटन को राइट क्लिक करना है और फिर साउंड पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप साउंड सेटिंग्स में पहुंच जाओगे। साउंड सेटिंग्स को आप कंट्रोल पैनल से भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करना है और फिर ओपन में क्लिक करना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ कैटेगरी पर क्लिक करना है, फिर शो लार्ज आइकॉन्स पर क्लिक करना है और साउंड पर क्लिक करने पर साउंड सेटिंग खुल जाता है। फिर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। आप यहां देख सकते हो कि माइक्रोफोन मेरा डिफॉल्ट डिवाइस है। फिर यहां एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करना है और शो डिसेबल डिवाइस को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको स्टीरियो मिक्स दिखाई देता है। फिर माइक्रोफोन आइकन पर राइट क्लिक करके माइक्रोफोन को डिसेबल करना है। इसी तरह स्टीरियो मिक्स आइकन में राइट क्लिक करके इसको एनेबल करना है, फिर ओके में क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके गूगल डॉक को सर्च करना है। फिर गूगल डॉक वेब पेज में क्लिक करना है। फिर गो टू गूगल डॉक में क्लिक करने से ऐसा पेज ओपन हो जाता है। और यदि आपने गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं किया है, तो ऐसा पेज ओपन होने से पहले आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा और आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। और यदि अकाउंट नहीं है तो गूगल अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करना है। फिर यहाँ स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। मैं इस डॉक्यूमेंट को एक साइड में रखता हूँ और ये विंडो का स्नैप ऑन फीचर है, जिससे आप स्क्रीन को टू इक्वल साइज में डिवाइड करके दोनों में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। यदि इसके बारे में जानना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर वॉइस टाइपिंग करने के लिए मैं मेरा चैनल का एक यूट्यूब वीडियो को ओपन करता हूँ। फिर आपको गूगल डॉक पेज में यहाँ ऊपर टूल्स में क्लिक करना है, फिर वॉइस टाइपिंग में क्लिक करना है और एक माइक्रोफोन आइकॉन दिखाई देगा और यहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा वीडियो हिंदी में है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूं। फिर वीडियो को प्ले करके माइक्रोफोन आइकॉन को क्लिक करना है और आपका वॉइस टाइपिंग शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो कि वीडियो में जो बोल रहा है वही टाइप हो रहा है। ये अच्छा से काम करता है और आप इसी तरह कुछ भी टाइप कर सकते हो। होप आपके लिए इस वीडियो इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल हुआ है, और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।